नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर एंड तरुण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम कोई नई फसल लगाते हैं हमें खेत तैयार करना पड़ता है, और खेत जितना अच्छे तरीके से तैयार होगा फसल भी उतनी अच्छी होगी और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि खेत तैयार कैसे किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जुताई के बारे में। जुताई यानी फसल की बुआई के लिए खेत को तैयार करना और उसके लिए किन किन उपकरणों का इस्तेमाल होता है। जुताई को आमतौर पर टिलेज भी कहा जाता है। टिलेज चार प्रकार के होते हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, स्पेशल टिलेज और जीरो टिलेज। तो सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी टिलेज के बारे में। प्राइमरी टिलेज में उपकरण गहराई में जाकर मिट्टी को अच्छे तरीके से तोड़ता है और नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है, जिससे जमीन के निचले सतह के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और पुरानी फसल के बचे हुए अवशेष गहराई में जाकर मिट्टी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। प्राइमरी टिलेज में ज़्यादातर प्लाउ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एमबी प्लाउ, डिस्क प्लाउ या चीजल प्लाउ। प्लाउ के साथ साथ आप कल्टीवेटर, स्पेशली डकफुट कल्टीवेटर, स्पेडिंग मशीन या पावर हैरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी उपकरण 6 से 12 इंच की गहराई तक जुताई कर सकते हैं। इन सभी प्राइमरी टिलेज उपकरणों का इस्तेमाल आप ऐसी फसल के लिए कर सकते हो जिनकी जड़ें गहराई में जाती है, जैसे कि कपास, गन्ना, केला, मक्का, सोयाबीन या आलू। अब जानते हैं सेकेंडरी टिलेज के बारे में। इस प्रकार की जुताई में मिट्टी को अच्छे तरीके से बारीक किया जाता है। प्राइमरी टिलेज के बाद मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उसे अच्छे तरीके से तोड़ के बारीक किया जाता है और ज़मीन को अच्छे तरीके से लेवल भी किया जाता है, जिससे बुआई भी अच्छी होती है और बीज का अंकुरण भी अच्छा आता है। सेकेंडरी टिलेज में ज़्यादातर रोटरी टिलर का इस्तेमाल किया जाता है। रोटरी टिलर मिट्टी को अच्छे तरीके से बारीक करके उसे लेवल भी कर देता है। रोटरी टिलर के अलावा कल्टीवेटर या हैरो का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी उपकरण 6 से 7 इंच की गहराई तक जुताई कर सकते हैं। आइए अब हम टिलेज के आखिरी दो प्रकारों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला ऐसा प्रकार जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 फीट की गहराई तक जाकर जुताई कर सकते हो, यानी स्पेशल टिलेज। दूसरा ऐसा प्रकार जहां पे फसल की बुआई के लिए किसी प्रकार की जुताई की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी जीरो टिलेज। स्पेशल टिलेज के लिए सबसॉइलर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसॉइलर जमीन के अंदर लगभग 2 फीट गहराई में जाकर जमीन की निचली सतह को अच्छे तरीके से तोड़ता है और साथ ही साथ 2 फीट चौड़ाई तक जमीन को लूज भी करता है। इसका इस्तेमाल आप ऐसी जमीन में भी कर सकते हो जहां पर 3 या 4 साल तक खेती नहीं की गई हो। आइए अब जानते हैं जीरो टिलेज के बारे में। इसका इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे किसान करते हैं जो धान की कटाई के बाद गेहूं की फसल लेते हैं। धान की कटाई के बाद गेहूं की फसल की बुआई करने के लिए जीरो टिल ड्रिल की मदद से बिना कोई जुताई किए गेहूं की बुआई आप कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करने से आपके समय की भी बचत होगी और लागत भी कम आएगी। लेकिन याद रहे, जीरो टिल सीड ड्रिल का इस्तेमाल करने के लिए जमीन में सही मात्रा में नमी होना बहुत जरूरी है। तो देखा दोस्तों, कैसे आप खेत की मिट्टी के अनुसार सही उपकरण चुनकर अपना खेत तैयार कर सकते हो। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए ट्रैक्टर एंड तरुण।